हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, दिस इज सचिन चौहान। आई होप यू ऑल वेल। और आज जो है कल के मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह मार्केट अच्छा था, दोपहर के बाद थोड़ा साइडवेज रहा, प्रीमियम इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे। आज आप सबको पता है कि मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी के एक साथ में। फिर भी रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा बना रहा मार्केट में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए होंगे कुछ लोगों, और साथ ही साथ कम टाइम में ज़्यादा पैसे बनने के भी चांसेस थे। आप यहाँ पे देखोगे 5 मिनट का चार्ट है, हमें एक पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने फॉलो किया, एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो। कल के मार्केट को देख के ऐसा लगा था कि मार्केट रिवर्सल मोड पे है, रिवर्सल नहीं लेगा, लेकिन वापस से 44,300 का इसने टारगेट जो है अचीव किया, यानी कि डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन इतनी तेज़ी से प्रीमियम नहीं गए, दोनों ही टाइप के प्रीमियम जो है खाए, साइडवेज टाइप मूवमेंट था, लेकिन मार्केट में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली। एक तरफ से अगर देखें तो पुट की साइड में वैली अच्छी भी थी। सुबह सुबह हमने लाइव में जो कॉल दिया था वो यहाँ से बाइंग कराई थी और यहाँ तक का कैप्चर करा था, अच्छा खासा प्रॉफिट सब लोगों को हुआ। आप सब जानते हैं लाइव में ही थे, और जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किए तो भी मौका है कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे बता दीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है उससे। कल के वीडियो हमने जो प्रेडिक्ट किया था उससे हमने बताया था कि गैप डाउन एक गैप अप ओपनिंग मार्केट में छोटी सी हो सकती है, जो कि यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास में गैप अप ओपनिंग सुबह सुबह देखने को मिली। सीधे मार्केट डाउन सेट आया, एक सपोर्ट बनाया, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट बनाया हमने कॉल साइड बाइंग स्टार्ट कर दी। हमें पता था कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं आया तो मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, सीधी सी बात है, और ऊपर की ओर गया भी। लेकिन वापस से इसने अपने डे हाई को जो है ब्रेक नहीं किया, वहाँ पे इसने वापस से एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद से नीचे की ओर। लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी थी ये बहुत ही बड़ा ट्रैप था मार्केट में, क्योंकि ये सीधे ऊपर की लास्ट सेकंड्स के अंदर अंदर ये कैंडल रिटेस हो गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैंडल्स को पहले क्लोज होना नहीं, तो उसके बाद ही एंट्री बना, क्योंकि इसने जैसे ही यहाँ पे एक तो पहले तो ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, जैसे इस कैंडल ने ऊपर की ओर इसने अपना हाई बनाया होगा, सबको लगा होगा कि डे हाई इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ से कोई टाइप एंट्री बनेगी, दूसरी कैंडल भी ऊपर की ओर निकलेगी और ये रेजिस्टेंस भी तोड़ देगी 44,800 का, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ ही, लास्ट सेकंड के अंदर अंदर एक कैंडल जो है वो रिटेस हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हो रिटेसमेंट होने के बाद मार्केट में फॉल आता रहा। लेकिन एक पैटर्न जो है वो आज लगातार पूरे दिन देखता रहा, जिसमें रिवर्सल पैटर्न जो मैंने स्टार्ट में बताया, दोनों ही साइड में आपको भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो डाउन साइड भी है, अप साइड भी है, और यहाँ पे भी लोगों को लगा चलो ये डब्ल्यू पैटर्न है तो इसका रिटेसमेंट है, यहाँ पे भी एंट्री बनाने की कोशिश की, जैसे ही कैंडल का हाई बनाया वापस से रिटेस कर दिया, वापस यहाँ पे लोगों का ऐसा खा गया और लॉसेस भी हुए। उसके बाद मार्केट ने वापस से नीचे की ओर मोड़ मारा और यहाँ से भी एक विंग बनाई, वापस से इसने एक लो बनाया और रिटेस होकर डाउन साइड पे कैंडल्स रिटेस हुई और अप साइड में भी रिटेस हुई, दोनों ही साइड के प्रीमियम जो है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली, दोनों ही साइड में लॉसेस लोगों को देखने को मिलेगा आज के टाइम। लेकिन अब कल क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, ताकि कल जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाए। तो एक आप देख रहे हो यहाँ पे डाउन साइड आपको एक फॉल दिखाई दे रहा है, और जब भी इस तरह का फॉल दिखाई देता है, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस समझा के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो ये जो फॉल बना है, तो जैसे जैसे इस तरह से फॉल बनता तो बाउंस भी इसका आता है, तो कल के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइडवेज नहीं रहा मार्केट, जो कि नहीं रहना चाहिए, सीधी सी बात है, तो हमें एक मार्केट में बाउंस ब्रेक देखने को मिल सकता है, ऊपर की साइड में यहाँ कहीं बाउंस ब्रेक आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ, बस कुछ मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में, अभी बस 5 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में, और मैं कल के मार्केट का प्रेडिक्शन वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको जो लगता है ये जो सपोर्ट इसने ले लिया ऑलरेडी सीधी सी बात है 44,300 का, तो इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि 44,300 जो है वो एक इंपोर्टेड सपोर्ट है हमेशा से, हमने पिछले वीडियोस में भी इसको बताया था, तो इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसको ब्रेक कर देता है अभी लास्ट 5 मिनट में, जो कि हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कर देता है तो फिर बहुत बड़ा फॉल हमें कल भी देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस अभी यहाँ पर होंगे बहुत ज़्यादा कम नहीं करते। लेकिन कल मार्केट में छोटी सी गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं, और सीधी बात है कि आज जो मार्केट में फॉलो किया कल भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा, सीधे ही गैप अप ओपनिंग होगी और एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसके बाद सीधा ही सपोर्ट लेने मार्केट नीचे आएगा। जहां पे भी सपोर्ट लेगा मार्केट कोई भी साइड में हम बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो वापस से हमारा रिटेसमेंट पे जो है एंट्री बनेगा, जैसे कि यहाँ पे पुट पे एंट्री हमारा बना था, यहाँ पे रिटेसमेंट पे एंट्री, यहाँ पे रिटेसमेंट पे एंट्री बना था, इस तरह का एंट्री भी कल के टाइम में बन सकता है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट पे, तो इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। अगर कल कर देता है तो रिटेसमेंट पे एंट्री हम पुट की साइड में कर सकते हैं, जिसके चांसेस अभी मुझे फिलहाल थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो मुझे ओवरऑल अगर एक लाइन में इस पूरे मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बाद एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ, तो कहने का मतलब मेरा मोटा मोटा सिर्फ ये है, कल के मार्केट में एक छोटी सी गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, सीधे ही मार्केट जाकर के रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और सपोर्ट पे हमारी एंट्री बनती है। मैं कल भी लाइव आ सकता हूँ अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो, वरना ग्रुप में जो है आपको कॉल प्रोवाइड कर देगा, फ्री ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के बात कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं।
डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर मिल जाएगा, उनसे बात कर सकते हैं। और सीखना चाहते हैं फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग, डेली मार्केट के अपडेट से जानना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि डेली चैनल पर सारी अपडेट जो आपको लगातार मिलते हैं। मैं मिलूंगा आपको कल, तब तक के लिए जिंदाबाद भारत माता की जय।